हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग हम लोग ऑलमोस्ट आफ्टरनून को स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं पानीपत। एंड वहां हम क्यों जा रहे हैं वहां पहुंच के आपको बताएंगे, पर अभी जा रहे हैं मैं, हर्षा और अशोक जी। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? सोनीपत से पानीपत हम पहुंच जाएंगे आधे घंटे में। सबको खाना पीना है तब खाना पीना। हाँ, अगर तो नहीं खाएंगे तो आपको तो खिला सकते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल हाँ वो ठीक है। रास्ते में लग गई भूख तो हम रुक गए केले लेने के लिए। ये लेकर आ रहे भैया। आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। देखो संत आध्यात्मिक स्थल और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इवेंट्स और मीटिंग्स होते हैं। तो अक्रॉस 3 days 1 crore लोगों की यहाँ पे गैदरिंग होती है। यही है तो हम लोग यहाँ पे पानीपत इसीलिए आए थे क्योंकि हमने मंगाए थे सिद्धार्थ नगर गोरखपुर से चावल। इस चावल को कहते हैं काला बादल चावल। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और इनकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, तो यही लेने आए थे। और अब जब ये बनेंगे तो इसकी स्मेल देखेंगे। पानीपत के जाम में फंसे हुए। फाटक ट्रेन आई है। फाटक जाम। अभी पानीपत से वापस सोनीपत हम आ गए हैं। मैं वापस खाने आ गया हूँ राजमा चावल, पर आज थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि मैंने राजमा के साथ छोले भी मिक्स करवाए हैं। यहाँ के राजमा छोले इतने फ्रेश है, मैं मतलब आपको मैं बता नहीं सकता। डेली आप आके लंच कर सकते हैं, इतना हेल्दी है। तो इसीलिए फिर मैंने आज हर्षा भाई को बोला कि भाई वापस यहाँ चलते हैं। सॉरी, मेरे में इतना पेशेंस नहीं था कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ पहले सुंदर सी प्लेट। मैंने खाना चालू कर दिया बिकॉज बहुत भूख लगी थी, तो मैंने सोचा फटाफट इसको खा लेते। ये है बहुत हैवी पर मजा आ रहा है। हर्षा भाई खा नहीं रहे हो? ना भाई, हम तो डाइट पे हैं। डाइट पे हो? हमने 100 ग्राम पनीर और थोड़ा पालक खा लिया। और कटहल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर हेल्थ। तो पालक खा लिया। पालक तो पालक से क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? और क्या होता है? बढ़िया। पालक से पपाई बनते हैं। वो पपाई पपाई द सेलमैन सुबह निकलती है पूपू। अब सब जाते हो पपाई सिर्फ पालक के साथ होता है मसल्स के। तो भाइयों, हरियाणा में आने के बाद हम थोड़ा सा यहाँ का स्वाद चखेंगे। तो ये रोटी आटे की, यहाँ की दाल तड़का, दही, चटनी और प्याज और बिस्लरी साथ में। तो ये खाना तो बनता है, हेल्दी है ब्रो। थोड़ा बटर ज़्यादा है बट चल जाएगा, इतना बर्न कर लेंगे। 75 हार्ड ख़त्म किया है यार, इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ। भाई सिर्फ कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ही। मतलब कुछ भी। Help me, I need water. तो फिर मैंने खा लिए मेरे सप्लीमेंट्स एंड बहुत ही लंबा दिन रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। ऐसे ही आप प्यार दिखाते रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून।